फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फिर हम मौजूद हुए फ्रेंड्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पर चिकन बिरयानी के साथ। सो हमेशा की तरह इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिरयानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक फ्रेंड्स हम बिरयानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बिरयानी जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पानी लिया है जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। फ्लेम हम थोड़ा हाई कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें टी स्पून फ्रेंड्स हमने इसमें नमक ऐड करना है। इसके बाद ही हमने लेमन जूस ऐड करना है इसमें। फ्रेंड्स, हमने एक फुल लीमू दिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए चावल तो आप लीमू ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें एक लेमन ऐड किया है। अब हम इसमें ये चाइनीज नमक ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप डालना चाहें तो। इसके बाद ये मेरे पास साबित गरम मसाला है। ये सीनीमन स्टिक है यानी कि दालचीनी, ये हमने दो सीने ऐड करनी है। एक बड़ी इलायची, ये तीन से चार क्लोव्स हैं यानी कि लौंगे, और ये ग्रीन कार्डियम यानी कि सब्ज़ इलायची, हाफ टी स्पून हमने कोरिएंडर लिया है, ये साबित है। तीन से चार पत्ते हम इसमें पुदीने की ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स, पानी में हमारे बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है, चावल भी ऐड कर दिए हैं। अभी हम एंड में जो है एक 1 टीस्पून और इसमें ये थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसे गलने तक इसका वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें बिरयानी के लिए जो हमारे चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने बस इनको इतना ही गलाना है, थोड़ी सी इनमें जो है वो बाकी रहे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, चावलों को हमने स्ट्रेन की मदद से स्ट्रेन कर लिए हैं। अब हम जो है प्याज फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ऑनियन को फ्राई करना है। हम जस्ट थोड़े से अनियन लेंगे जिसको हमने फ्राई करके निकालना है। फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर हमने प्याज़ों को जो है ये डार्क ब्राउन कर लिया है बिल्कुल इस तरीके से। अब हम जो है इसको साइड पे कर देंगे। अब हम अपना मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं बिरयानी के लिए। उसके लिए हमने एक बड़ा अनियन लिया है। फ्रेंड्स, इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो है प्याज हमारे लाइट जो है गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अभी थोड़ा हमें इनको डार्क करना है। फ्रेंड्स, ये देखें हमें जस्ट इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने चिकन ऐड कर दिया था, इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब 2 चम्मच भर के हमने बड़े वाले
अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। फ्रेंड्स हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो ऐड कर दिया है, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अच्छे से उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट जो है वो हो चुके हैं, अब हम इसमें ये टमाटर और सब्ज़ी मिर्ची ऐड करेंगे। ये हमने दरमियाने साइज का एक टमाटर दिया था। फ्रेंड्स ये देखिए जो टमाटर है हमारी गल चुके हैं तकरीबन, अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये हमने लहसुन का बिरयानी मसाला लिया है, यह वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है खाने में। क्योंकि मैंने चावल जो है वो 1 kg यानी कि 1 किलो लिए थे, अब मैं पूरा एक पैकेट इसमें ऐड करूँगी। ये हमने जो है 1 पाव दही लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव दही में हमने पूरा जो है बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन जो टमाटर भी हैं हमारे गल चुके हैं, इसमें इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो पूरा दही है जिसमें बिरयानी मसाला हमने ऐड किया था, ये हम इसमें पूरा ऐड करेंगे। ये देखें ये हमारा मसाला जो है वो कुछ इस चक्कर में आ जाएगा। अब ये फ्रेंड्स हमने इमली लिया था, उसको हमने भिगो दिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। फ्रेंड्स आप मिसाले वगैरह चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा मिसाले जो घर के हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स इस स्टेज पर हम इसमें मिसाले चेक करेंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो आप घर वाले मिसाले यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैं इसमें जो है रेड चीज़ को थोड़ी और ऐड करूँगी। फ्रेंड्स जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें जो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये एक मसाले की शक्ल में आ गया है। ओके फ्रेंड्स इसको हम अलग से किसी बर्तन में निकालते हैं और हम इसकी अब तहें बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम इसकी तहें बनाते हैं, मैं आपको बनाना दिखाती हूँ। ये वही मतलब के बर्तन है जिसमें हमने मसाला बनाया है, अगर आप चाहें तो धो लें, मैंने तो वैसे ही यूज़ किया है और मैं ऐसे ही करती हूँ। फ्रेंड्स उसके लिए हम सबसे पहले इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। ये लेमन लिया हमने, इसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड करेंगे।
साथ में हमारे पास टमाटर हैं, ग्रीन चिलीज हैं, पुदीने के पत्ते हैं, और ये हमारे पास जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो हैं। ये हमारे पास जो है रेड फूड कलर है, फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स दूसरी तह भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखें। फ्रेंड्स नेक्स्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखें इस तरीके से। ये ग्रीन चिलीज है हमारे पास, ये प्याज, ये फूड कलर हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो तहरी है वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल हम इस लाइट कर देंगे। फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना दम जो है वो ओपन करते हैं। फ्रेंड्स दम खुल चुका है, हम चावलों को डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें बिरयानी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही कलरफुल चावल बने हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी तीन कलर की जो बहुत ही खूबसूरत जो है बिरयानी वो तैयार हो चुकी है। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको कैसे लगी। ओके फ्रेंड्स अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।